magdesa. देश जाने के लम्हात एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरे होते हैं उतनी ही ज्यादा गमगीन और तकलीफ दे होते हैं। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों अपने वालदैन के घर को छोड़ना होता है। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। जहां उसके बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है, इन सबको अपनी झोली में समेटे सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए कदम बढ़ा रही होती है, जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहट गूंजती है और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करते हैं। घर से रुखसत होने का लम्हा वो कभी भी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत एक नए अज़्म और एक नए रिश्तों को खूबसूरत बनाने और उनमें घुल मिल जाने के ख्वाबों को पूरा करने में लग जाती है। इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। कैसे होंगे वो लम्हात उनके एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन रुखसती की यादों और लम्हात को ताजा करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। रही लबा पर जा देदा इश्क बार का वो है सा जन्म ले आना। भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी जानन पीवे जिन पिया खिड़खिड़ हाथी दूर उदासी जानन पीवे जिन पिया नीलू ठंडावे अज नीलू ठंडावे अज नीलू ठंडावे मोर पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो। ठंडारे अज चुपा ठंडारे मैं चुपा ठंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आए शक्कर भंडारे अज शक्कर भंडारे अज शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आए खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जान पीवे जिन पिया खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी जान पीवे जिन पिया लूलू ठंडावे अज लूलू ठंडारे मोर लूलू ठंडावे मोर पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे अज शक्कर भंडारे अज शक्कर भंडारे अज शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो। थैंक यू सो मच राफे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का शो एक ऐसी शख्सियत के नाम एक ऐसे जोड़े के नाम जिनसे मैं आप हम सब लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं
वो हमें जो भी बात बताते हैं हम बात मान जाते हैं, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो सच्ची बात करते हैं, वो सही बात करते हैं, वो ठीक बात करते हैं, वो ऑथेंटिक बात करते हैं। हम हर खुशी हर गम में आपके साथ होते हैं, तो जहाँ खुशियों का मौका है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और जनाब, आज की जो हमारी पर्सनालिटी है, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इनकी शख्सियत को आपको खोज लगाना है, आपको गेस करना है कि ये कौन है। और जो कॉलर हमें फ़ोन करके बताएगा कि हम किनकी बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंट बिल्कुल दूंगी, तो जो हमें बिल्कुल सही नाम बता देगा तो जनाब वो जीतेगा 10,000 रुपये। तो यानी कि जो सलामी इनको देनी चाहिए वो सलामी आप ले जाइएगा। मैं इनके बारे में जनाब ज़्यादा नहीं बताऊंगी वरना आप पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ ज़रूर कि ये हमारी समा फैमिली का ही हिस्सा हैं। और इनकी 1 महीने पहले शादी हुई जनाब की, और क्योंकि मैं इनकी शादी अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद ट्रैवल कर रही थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, सो मैंने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता कि चले मैं इनकी खुशियों में नहीं शरीक थी, तो हम इनको बुला लेते हैं, हम रीलिव करते हैं एक बार फिर से इनकी शादी की जो याद है वो ताज़ा करते हैं, जो कितनी भी पुरानी नहीं हुई, 1 महीने की बात है, लेकिन मैंने कहा ज़रा देखें तो सही इनकी शादी में हुआ क्या था। तो जनाब मैं सोची हूँ कि मैं बग़ैर आप, ओहो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको तस्वीर से समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, टेंशन नॉट फिकर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो दुल्हे मियाँ हैं मैं इनको बुला लेती हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? उज़्मा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी उज़्मा, पिक्चर देख रही हूँ, समझ आ रही है? ये फैजान और माहम है। फैजान और माहम, नहीं गलत जवाब, नहीं ये फैजान वन, नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, पिक्चर देख रही है? हाँ देख तो रही हूँ। इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है? हाँ महीना पहले। अच्छा ये उसमें आती है मतलब न्यूज़ पास्टर है ना? कौन मतलब न्यूज पास्टर है? नहीं कौन, दुल्हा या दुल्हन? दुल्हन दुल्हन। अच्छा कौन सी न्यूज कास्टर है? ये जियो से आती है। तालियां बजाएं। बिल्कुल गलत जवाब। नहीं मेरी जान गलत जवाब, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ी सी मखौलियां बोलो, मखौल करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं बात कर रहा हूँ सैयद जुनेदुल हसन। जुनेद भाई कैसे हैं? ठीक है, माफ कीजिएगा। अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे बताइए तस्वीर देख रहे हैं आप? जी जी तस्वीर देख रहा हूँ, प्रोग्राम भी देख रहा हूँ आपका, अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। मुझे बताइए कौन लग रहे हैं दुल्हा? नहीं समझ आई ना, पिक्चर से भी समझ में नहीं आ रही। चले पहले एक और कॉल ले लेती हूँ, फिर उनको बुला लूंगी, लेकिन उसमें भी वो सेहरे में आएंगे तो गेस करना है। कॉलर एक साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? रफीउल्लाह बात कर रहा हूँ, क्विटा से। जी अच्छा सर, पिक्चर देख रहे हैं आप? जी जी। तस्वीर में कौन लग रहा है कि हीरो कौन बैठा हुआ है? ये तो दुल्हन बैठा हुआ है। कौन बैठे हुए? दुल्हन और दुल्हा। शुक्र है आपने बता दिया, पता ही नहीं चल रहा था मुझे। सर नाम गेस किया कौन है? नाम मुझे थोड़ा ना कर दे दो। वो क्या कह रहे हैं? ना कर थोड़ा ना सस्तो बताओ। आपको समझ आई उन्होंने क्या बोला? आप दोबारा बोले, मुझे नहीं समझ में आई मेरे भाई। कल से मैं थोड़ा सा कुछ बताती हूँ इनके बारे में। अच्छा जी, थोड़ा सा अगर मैं बताऊँगी सब कुछ पता चल जाएगा। ये हमारी समा फैमिली का ही हिस्सा हैं। अब आप खुद सर्च भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसकी 1 महीने पहले शादी हुई। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं उज़्मा बात कर रही हूँ। जी उज़्मा, पहचाना उज़्मा कि कौन है? भूजा ने जी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने पहचान लिया ये कौन है। मैं बता दूँ? बता दें। ये है फैसल करीम। इंतजार कर रहा था मैंने।
यार आप इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, ये मैंने तो खैर बता दिया कि हमारे, लेकिन उज्मा थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, या तो मैं लाइन पे रहें। अच्छा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं ये फैसल करिए। अच्छा आप ऐसा करें, आप लाइन पे हमारे साथ रहें, मैं जरा जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको बुलाती हूँ, और मैं चाहूंगी कि जो ये दुल्हे मियां है अपनी आवाज में गाना गाते में आए, सेहरन को बंदा होगा। उज्मा मैं आपको एक और चांस दे रही हूँ क्योंकि आप करीब करीब पहुंच गई हैं, ठीक है। सो जनाब हम अब जोरदार तालियों में दावत देते हैं हमारे बहुत ही प्यारे दुल्हा को। गाना हो जाए भाई, दुल्हा साहब गाना गाते आइएगा। और जनाब क्योंकि हमारी समा फैमिली के साथ में किरण आफ्ताब भी है, अली भी है, शुएब भी है, इस्तकबाल में फूल नहीं फेंके गए, इस तरफ आ जाएंगे। मैं वो अली पीछे से फेंक रहे हैं ना, ये वो फूल है जो दिखाई नहीं दे रहे। इधर इधर आ जाइए दुल्हनिया, इधर आ जाइए, मैं आपका नाम नहीं लूंगी अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था दुल्हनिया गाना तो हो जाए, तो शायद जो हमारे साथ कॉलर थी वो गेस्ट सही कर लें, करीब करीब आ गई थी, कोई गाना हो जाए। वैसे ही इज सजेस्टिंग समथिंग। हां 3 2 1 क्यू तेरे सेरे नू सजाया दादा बोले के लिया, ओ दो दिल साझे हीर तेरा जे जश्न मनाओ यारो। नाश्ता नहीं किया था? नहीं भाई उस्मा कोई लेकर आए क्योंकि चले मैं एक और भी जरा कॉल लेती हूँ। अच्छा जी एक और कॉलर साथ है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ कराची मॉडल कॉलोनी से। जी सर आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है और आज आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूल्हे मियां को पहचाना आपने? जी मेरे घर से फवाद दे दी है ये।
एक और कॉलेज भी साथ में है, अस्सलाम वालेकुम से बात कर रहे हैं, बस ये पेट में जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो किरण आई भाई, अभी पहले तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी नया दिन की जो टीम है इसके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि हम एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, तो फिर हम अपनी खुशी अपनी फैमिली के बगैर कैसे मना सकते हैं। अच्छा साथ ही अली ने ना वो पोज ही मार लिया कि तस्वीर खींचने वाली है फैमिली है यार, यार फैमिली वाली लोग। अच्छा देखे ना ऐसे मौके होते हैं ना, हम अपनी असलियत पे आ जाते हैं। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी, आइए बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा कॉल ड्रॉप नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं मियां जी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात? मैं सियालकोट से हूँ, मैं बात कर रही हूँ। ये जो आप कपल को बुला रहे हैं ना, ये जारा अब्बास और वो बिल्कुल सही सदी के जारा और तालियां, ये सही कहती है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन मैं इसलिए तालियां गलत जवाब भी भिजवाती ताकि अप्रिशिएट उस पे भी करना चाहिए कि जवाब तो दिया नहीं। मिल बहन ये नहीं है। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से जी। फरा, ये अपनी फरा तो नहीं है? फरा देख रही हैं दुल्हे मियाँ की ब्लड पिक्चर और दुल्हे मियाँ को बजाते खुद यहाँ पे। असल में मैंने अभी टीवी ऑन किया है, इतना मुझे डिटेल पता नहीं है, प्लीज हमने भी ओके नेक्स्ट कॉल। ये डिटेल मैंने भी नहीं बताई ना, डिटेल मैंने भी नहीं बताई, ये एक ब्लर पिक्चर है, ये मैंने बताई, हमारी समा फैमिली का हिस्सा है और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, साथ में सेहरा लगा के खुद भी बैठे हुए हैं और इनके भी एक महीने पहले शादी गाते भी बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं बता सकती। हेलो, सोच रही हैं, चलें सोची प्यार से बंदा गया। नेक्स्ट कॉलर, थोड़े से इंसाफ दे देना कि कैसे पहचान सकते हैं कि कौन है ये दुल्हा मियां, थोड़े से आपने तो इतना काम किया इनके साथ। अब देखिए एक हिंट तो अली ने दे दिया ना कि बहुत सारा काम किया है, दूसरा हिंट ये है कि सुरीले हैं, तीसरा हिंट ये है कि बहुत शौक से खाते हैं और इसके अलावा एक हिंट ये है कि अनथक मेहनत करा लो भैया कभी चुकते नहीं है। लेकिन जैसे खाने वाली बात की ना, इनकी करीबी दोस्तों को ही पता होगा क्योंकि उनको देख कर बिल्कुल भी नहीं लगता हमेशा ये फिटनेस फ्रीक नहीं है। एक और ये वाकई आप सही कह रही हैं, दिल रखने के लिए बात कर रहे हैं, मान लेते हैं। एक और कॉलर भी साथ है, बिरयानी बिरयानी भाई है ये। अच्छा अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रही है? हुमैरा बात कर रही हूँ मियांवाली से जी। हुमैरा जी क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। मैं ये गैस करना चाहूंगी, मुझे इनका अपना नाम तो नहीं आता, शायद इनकी मदर का नाम है परवीन अकबर और फरियाल इनकी बेगम का नाम है। अच्छा इनकी बहन के साथ आई है जी। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम, कौन बात कर रही है जी? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से जी। फरा ये मुझे लग रहे हैं कि फवाद है। बिल्कुल फवाद जैदी, दूसरा गेस्ट। और गेस्ट आया फवाद जैदी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और जिन्होंने सही गेस्ट किया है मैं उनके नाम अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि राफे एक गाना हो जाए और गाने के दौरान ही श्यू श्यू श्यू, वो जैसे इंडियन फिल्मों में नहीं आता था, एक शॉट को तीन एंगल से लेते थे। और स्लोमो करना है प्लीज, आपने स्लोमो के बगैर मजा नहीं आएगा। और ये भी आप ही आपने भी वैसे ही उठाना है सेहरा अपना, ताकि मैं सब इससे पहले के फवाद की थी, इससे पहले के फवाद को जगह-जगह के पूछे हो क्या रहा भाई, हर बंदा हमारी शादी के बारे में बात कर रहा है, राफे गाना तो हो जाए भाई। मेरी आंखों में समय एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, मेरी आंखों में समय एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद सी हवाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में हवा की हयाएं, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गया,
आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। उस्मा आपका जवाब बिल्कुल सही था जनाब, और आपने जीते हैं वो सलामी जो फैसल को देनी चाहिए थी, वो आप जीत गई हैं, 10,000 जीत गई हैं। अच्छा एक और चीज के साथ आपकी शादी नहीं हुई, हमें कॉलेज के लिए सलामी तो मिलेगी। और सबसे पहले तो मैंने ही गेस कर लिया था कि कौन आ रहा है। अच्छा दूसरी बात ये फवाद, अगर आप शो देख रहे हैं तो प्लीज आप अब कुछ करें अपने लिए। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई है कि लोगों ने आपकी एक महीने पहले शादी करा दी है। सो नहीं ऐसा कुछ ना कीजिएगा, क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। हाँ प्लीज जरा इसको बताइएगा कैसा क्यों हो रहा है कि हर बंदा कॉल करके मैं यही कह रहा हूँ। और फैसला भी सिर उठाते साथ का, मैं फवाद नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये पूछ लेते कैसा लग रहा है उतार के। मुझे पता चला है ब्लाइंड ऑडिशन क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छा उसका ये है कि हमारे यहाँ ना लड़कियों को जब रुखसती हो रही होती है ना तो उस वक्त सहरा होता है, जब आएंगी तो आपको बताएंगी। हाँ। तो और लड़कों को तो नहीं होता, ठीक है। तो अभी मुझे अंदाजा हो रहा है कि, और ये तो इतना सा था तो हमारे यहाँ वो लंबा सा होता है, लंबा सा जो नीचे वाला होता है कि नजर ना लगे, जो मेरी मेरी फूफो को यहाँ तक पहनाएगा था सेहरा, इतना लंबा उनको भी पहनाएगा, मतलब हैवी ड्रेस के साथ इतना बड़ा सेहरा भी पहना दे, काफी काफी कुछ वो फैमिलीज के ट्रेडिशन होते हैं। चलो नहीं ये तो है कि वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, मैंने तो गाना भी गा दिया ये पहन के ना, और मैं सांस भी ले रहा था, मेरे ख्याल से मेरी फैशन के लिए तालियां होनी चाहिए यार। जिंदगी का सबसे मुश्किल गाना था भाई, लाइक और गाने के साथ सुरों के साथ थूक भी निकल रहे थे। अच्छा एक चीज जो मैंने और जरा डिफरेंट देखी, क्योंकि नया दिन में जब भी इनका शो चल रहा होता है कोई भी एक्सरसाइज योगा होती है वो शुएब कर रहे होते हैं, आज मैंने इनको डांस करते हुए देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई ना, मैं इनको कभी कान पकड़ के उठक बैठे दोनों करा रहे हैं ऑन पर्पज, ये दोनों बहुत शरारती है। अच्छा हम भाभी साहिबा को बुलाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी उससे पहले जरा मैं फैसल से पूछूं कि फैसल ने पहली बार जब देखा था इनको याद है उसे कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे? कुर्ती थी व्हाइट कलर की, उसमें फ्रूट्स टाइप बने हुए थे, उसमें व्हाइट कलर की कुर्ती उसमें फ्रूट्स बने हुए थे, ये मैं उनसे सही कहा था ना, खाते हैं फ्रूट्स याद रह जाते हैं, खीर ट्राइफल तो ये सारे खाने रखे हुए थे, और साथ में भाभी की एंट्री हो गई थी, और फिर उसके बाद में फिर हां ठीक है ठीक है, एक मिनट आपके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना खाने के बाद, कपड़े बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने ये पहना था और मैंने ब्लैक सलवार कमीज पहना, आपने ब्लैक सलवार कमीज, और ये कहां मुलाकात हुई थी दोनों? ये हुई थी विलेज, विलेज रेस्टोरेंट, भाभी से कंफर्म कर लेंगे हम ये एग्जैक्टली, ये मैंने भी कंफर्म करना है क्योंकि अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जनाब भाभी हमारे साथ होंगी और इनके तमाम तरह खुशी जो लम्हात है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और स्पेशली मैं खुद देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस इवेंट में नहीं थी। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद फैसल और भाभी हमारे साथ होंगी, कहीं मजा आएगा। बनो मेरी तेरे लिए हिना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां, तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, कम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आप आज के शो में देखेंगे कि किस तरीके से हम सजी दिखा के खबी लेंगे, क्योंकि अभी तो हम दूल्हे के साथ हैं, बस अब से थोड़ी ही देर बाद हम तो दुल्हन वाले बन जाएंगे, मैं तो दुल्हन वाली बन जाऊंगी, क्योंकि सोफा इसीलिए बदल लिया, हम भी दुल्हन वाले बनने वाले हैं, बदल लिया और मैं मैं दूल्हा वाला हूँ, दुल्हन की जगह पर है लेकिन है दूल्हे वाले। ये मुझे समझ नहीं, ये क्या सोच के बैठे हो कि जी ये दूल्हे के साथ बैठेंगे तो जल्दी शादी हो जाएगी? नहीं ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है, ऐसी सोच मैं जाके बैठूंगा तो मेरी जल्दी शादी होगी, है ना, मुझे फॉलो किए कुछ ऐसी बात है। अच्छा इतने खुश क्यों बैठे हो ये जगह आप, आपको तो मेरी साइड पे नहीं होना चाहिए था, मतलब जिसकी जिसकी जो जगह होती है वो उसी पे अच्छा लगता है, आप बिल्कुल फैसल के साथ अच्छे नहीं लग रहे।
क्योंकि फैसल के साथ जो अच्छी लगती हैं कहाँ हैं ये मुझे से बड़ी फुप्पो लगे कहाँ हैं बुलाओ तो सही जनाब तो आप लोग ही लेने के लिए जाएंगे क्योंकि जनाब ये आप तो ले आए हैं हमारी जो नया दिन की टीम है और साथ में हमारी और जो समा फैमिली के जो पार्ट है हमारी वो हमारी भाभी को लेने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारी भाभी और आप लोग इनसे मुलाकात हो और वही बात जो फैसल ने कही थी कि सबसे पहले क्या जोड़ा पहना था आप सब लोगों को याद है ना हम उनसे भी पूछ लेंगे कि उन्होंने यही जोड़ा पहना था और क्या करने के लिए गए थे वहाँ खाना खाने के लिए ये भी जरा पूछेंगे तो जनाब गाना हो जाए ना गाना मुंडा सज के तेरे ते कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे ते मुंडा लग गया नहीं करना चाह रही और जनाब हमारी नई भाभी कैसा लग रहा है जनाब बहुत अच्छा लग रहा है महीना हो गया है अब तो हमारे जो इतने प्यारे भाई हैं ने आपको अभी तक तंग तो नहीं किया आपको रुलाए तो नहीं है आपको कोई बात नहीं आज आप गीबत खुल के कर सकती हैं नहीं ऐसी कोई बात हम इनको यहाँ सही करके भेजेंगे क्योंकि मैं अकेली मैंने किरण भी है शोएब भी है बिल्कुल मैं का समझ रहा है आप खुल के बता रहे हैं और मैं तो आपके आने से पहले मैंने कह दिया था कि मैं तो भाभी की पार्टी हूँ सो अब वो जो बॉयज वाली पार्टी वो मैं एक साथ बिठा देते हैं और भाभी वाली पार्टी आगे बैठे थे आज जनाब जोरदार डालिए तो जनाब जरा पहले मैं एक बात कंफर्म कर लूँ और उसके बाद फिर जो उनकी फैमिली का सबसे पहला जो इवेंट था इन के इस खूबसूरत बंधन को लेके वो आपको दिखाऊंगी लेकिन मुझे बताएं आपकी जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी कुछ याद है इन्होंने कैसे जोड़ा पहना हुआ था और आपने क्या पहना हुआ था करीब करीब हाँ और आपने तो बाद में सवाल होगा ना ब्राउन कौन सा था ऑफ वाइट कलर की शर्ट थी उस पे मतलब कैजुअल सी शर्ट नहीं उस पे क्या बना हुआ था उस पे एक वैरायटी ऑफ शूज थी छोटे छोटे से शूज बने हुए थे शूज से और इन्होंने क्या समझा कि वो क्या है वैसे फैसल खाने के बाद में वहां पे अंधेरा था ना इतना शूज लगे फ्रूट्स मुझे लगा वो उसमें किनू अनानास बने थे इसीलिए हम कहते हैं ना बहुत खाते हैं फैसल इसके फ्रूट्स की शेप के थे इससे ये बात देखे वाजे हो सकती है कि जी हमारे दुल्हनिया को हर चीज में खुराक नजर आती है चाहे वो जूते हो चाहे वो कुछ भी हो फ्रूट्स नजर आ गए उनको फ्रूट चाट खाने भाभी कुत्ते की तारीफ की थी फिर उन्होंने मैसेज भेजा था कि बहुत अच्छा ड्रेस नहीं लेकिन देखे मैंने एक चीज तो सही कही वाइट था ना और आपने ब्लैक कलर की सलवार को भी इसको ब्राउन बना दिया है तकरीबन ना डार्क कलर अगेन अगेन वो रेस्टोरेंट में अंधेरा पड़ा था तो दोनों क्या किसी खास पर्पस के लिए खाने पे गए थे क्या हुआ था क्या ओकेजन क्या था वैसे नहीं आप बता दें मैं तो ओए, 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 आप पहले आप
मैं अभी आज अभी जाऊंगा घर, फिर शाम में आऊंगा, फिर बोलना शुरू करूंगा, फिर एक बजे तक बोलता रहूंगा. आप बोलें. अब हम आपको सुनना चाहते हैं. हमारी मीटिंग बाहर अरेंज हुई थी. अच्छा. तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग एक दूसरे को देखने के लिए. और ये टोटली अरेंज मैरिज. टोटली अरेंज. ठीक है. और जब मिले तो आप वैसे फैसल दिमाग में क्या सोच के गए थे कि कैसी लड़की होगी? अब कुछ थॉट्स थी? सोचा था इतनी सारी मिल जाएगी. अरेंज्ड. नहीं नहीं मिलती तो वो आपको क्या लगता है वो फिर? हाँ, क्या नहीं, क्या ट्राई ट्राई अगेन. अच्छा, फिर मुलाकात और होती है. सोचा नहीं था सच. मैं अभी तो इस वक्त अभी अपनी वालदा की कमी महसूस कर रहा हूँ. शी कैन नॉट वॉक, तो वो इसलिए वो आ नहीं सकती. तो मैं आंटी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अब जल्दी ठीक हो जाए. हाँ, बहुत सारी आंटी आपके लिए दुआएं. तो वो मेरे बराबर में बैठी थी, मैं ड्राइव कर रहा था और अच्छा मम्मी साथ थी. हाँ मम्मी साथ, बिल्कुल साथ थी. तो हम यही बात कर रहे थे. तो अम्मी वॉज लाइक अब ससेप्टेबल यार कैसे ये वो. तो मैंने जब हमने घर से निकाली गाड़ी तो अम्मी वॉज ससेप्टेबल कैसे ये वो. मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, जब हम करीब करीब पहुंचने लगे थे आई बिकेम ससेप्टेबल. तो वो मुझे कह रही थी क्या होता है यार, इजी हो जाए, इजी हो जाए. हां ठीक है. तो एज सच कोई सोचा नहीं था, बिकॉज जैसे कहते हैं कि इट इज अ गैम्बल. बिल्कुल. इट इज अ गैम्बल वेदर इट इज लव्ड और अरेंज. इट इज अ गैम्बल. वन इज एन ओपन, वन द अदर वन इज द ब्लाइंड. तो बट उसमें ये था कि अगर आप सच्ची नीयत से जाएं, अच्छी नीयत से जाएं, तो बेशक अल्लाह मियां ने बरकत रखी है इसमें. बिल्कुल बेशक. तो हमारा यही जहन था. और मेरा बिल्कुल भी ये जहन नहीं था कि यार इसको नेक्स्ट 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 नेक्स, नहीं. शायद मेरा ये भी जहन था कि अभी मैंने यू नो आगे जाना है काम में. हमारे होता है ना जहन में, मैंने काम करना है, इसमें आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है. लेकिन इस मामले में अम्मी बड़ी सपोर्टिव रही. उन्होंने कहा यार करते रहो. अब्बू मेरे बड़े सपोर्टिव थे, करते रहो. लेकिन अब्बू के बाद फिर अम्मी एक दिन मुझे कहा बेटा कर ले यार. आप कह रही हैं तो. हाँ, और अम्मी की पे. अच्छा, कॉलर साथ है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन सा आप बात कर रहे हैं? नासिर बात कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम मदिया. अस्सलाम वालेकुम टीम. क्या हाल है फैसल? हेलो नासिर, क्या हाल है? थैंक यू. फैसल से बात हो सकती है? बिल्कुल. जी जी नासिर मैं बात कर रहा हूँ. क्या हाल है फैसल? अल्लाह का करम. पहचाना नहीं भाई, पहचान भाई को पहचान गए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? सब खैरियत. बहुत अच्छा शो जा रहा है. कमो बेच देखता हूँ, बट आज मुझे पता था तो मेरा दिल कर रहा था मैं कॉल करूँ. और बहुत अच्छा लगा आप सबको. नासिर हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन सबको आपका तारुफ है, मुझे आपका तारुफ नहीं है. आपसे बात करके इन टाइम माजरत, बट है इत्तफाक से है, ऐसे डायरेक्टली नहीं है. और मैं भी टीम का एक मेंबर ही हूँ. बट आप लोगों का शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आज का तो स्पेशल एपिसोड है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आज का शो बाकी बहुत खास है, क्योंकि मैं जब कुछ दिनों पहले फैसल से मिली, हमारी एक पुरानी आपा पुराने इंस्टीट्यूट की जब हमने काम किया, तो वहाँ पे मैं गई थी. फैसल मैं इतनी खुश हूँ कि आप आ रहे हो, क्योंकि जब अपनी कोई फैमिली का बंदा आता है जिनसे अपनी बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, तो उनकी शादी के लम्हा शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है. एक और कॉलर साथ है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है जी? जी मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ. जी आमना, सबसे पहले तो शो बहुत जबरदस्त है और इतना खूबसूरत माशाल्लाह कपल बैठे हैं. मैं इनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ. अल्लाह ताला इनको बुरी नजर से बचाए और ढेरों खुशियां दें. इलाही आमीन, इलाही आमीन. बहुत शुक्रिया. अल्लाह पाक आपको भी बहुत ज़रा खुश रखे जनाब. अब जरा मैं आपके साथ वो इनकी घड़ी, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जिसमें आपको सिर्फ एक साइन करना होता है और चीज़ें बदल जाती हैं. आप लोगों को लगता है ना कि जब आप कोई नई नौकरी की कोई ऐसी चीज़ें साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ज़िंदगी वहाँ बदलती है जनाब जहाँ पर एक आपके साथ मौलवी साहब बैठे होते हैं, सब लोगों की दुआएं होती हैं और फिर आपने एक जगह साइन करना होता है. लेकिन कुछ लोग गलत साइन भी कर देते हैं. मैं आपको बताऊंगी कौन ऐसे लोग हैं जो गलत साइन कर देते हैं अपने निकाह नामे पे. खुशी इतनी होती है ना, तो वो निकाह नामा अगर गौर से देखे ना तो उसमें वो जहाँ दुल्हा और दुल्हन के लिखा होता है वो अंडरलाइन इतना वो डिफरेंट एक्सपीरियंस. बाकी मैंने सोचा नहीं, मैंने किया तो गलत नहीं, लेकिन पूछा मैंने वाकई मैंने साइन यहाँ पर करने हैं, वो लाइन और लिखना चले आपने तो पूछ लिया ना, तो अगली तुम बेचारी इतनी शर्माई भी तुमने पूछा ही नहीं. चले फिर इनकी वीडियो तो दिखाए इनके निकाह की. घूंघट में मुखड़ा छुपा के
निकाह की मुबारकबाद, फिर जहाँ लड़की को रोना आ रहा होता है निकाह के टाइम पेपर साइन करते हैं, आपकी तो हंसी छूट गई होगी भी ऐसा ही था क्योंकि मोहतरमा ने आप खुद बताया आपने क्या किया था और किस जगह पे साइन किया था, आप लोगों ने खुद अभी देखा भी है। मुझे ना थोड़ी सी ना जल्दी भी थी, शाम में रिसेप्शन था ना। अच्छा ठीक है, और आपने पार्लर जाना होगा, पार्लर जाना था और उससे पहले जाहिर से नहा के रेडी होके जाना था, उससे पहले बस जल्दी से अबू ने कहा जल्दी जल्दी आओ और ये कर दो। अबू ने जल्दी से कहा कि कहाँ तुम जल्दी से रेडी होना चाहिए था तुम्हें अभी तक, और मैं इधर उधर घूम रही थी उस वक्त। तो फिर वो अच्छा वो जो टेंशन वो जो जिटरिंग होती है शादी की, वेडिंग जिटर्स होते हैं पहले, नहीं उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस उस टेंशन में ना जल्दी मेकअप की टेंशन थी। ये भी बताओ ना क्यों नहीं हुआ था, मतलब हमारा निकाह एक साल पहले हुआ था 2016 में आपका निकाह हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही था ना, 2016 दिसंबर। ठीक है, तो उस वक्त तो इनको नहीं था कि मैं छोड़ के घर बाहर चली जाऊंगी। अच्छा इसमें आप लोगों ने टेम्परिंग कर दी, इसमें आप लोगों ने आवाज नहीं चलाई, अगर आप इसमें जो इस वीडियो की आवाज चलाती तो आपको पता लगता कि इनको डांट कितनी पड़ी है। यार डांट की बात एक तरफ, लेकिन मदिया मैं एक मुतालबा कर लूं, मुतालबा मेरा ये है जी देखिए मेरी शादी से पहले पहले ना आपने कंफ्यूजन खत्म करनी, नहीं तो मैंने भी साइन ऊपर ही करने। फिकर ना करो हम सर पे खड़े होंगे सही जगह साइन कराएंगे, लड़कों के साइन ऊपर ही होते हैं भाई। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है यार, चले जी थैंक यू। आप देखिए इसको टेंशन सिर्फ अपने साइन किए कि मैं गलत साइन ना करूं। अच्छा जरा अब अच्छा सॉरी आप क्या बातें थी, तो ये फिर परेशानी की वजह से ये हो गया, सबसे डांट किसे पड़ी उस वक्त? अब्बू से की कि यार जल्दी करो और तुम्हें रेडी रहना चाहिए था। अब्बू ही जो है ना ये बहुत जल्दियां डालते हैं। लेकिन भाभी मुझे लगा कि उस उसी वक्त आपने ना देखा था ये मोटिव मेहंदी का इसने बनाया क्या है, उंगली मेरी खराब कहाँ की इसलिए ध्यान भटक गया। हाँ सारी ना। अच्छा जी मैं अब आपको जनाब ये तो निकाह की थी, निकाह इनका एक साल पहले हुआ था, तो वक्त कम है हमारे पास और मैं चाहती हूँ बहुत सारे मोमेंट्स आपको शेयर करूँ, तो जल्दी से मैं आपको इनकी मेहंदी के इवेंट में ले चलती हूँ। मेहंदी आपकी कब थी? दिसंबर 2017 आई गेस, पहले 18 को थी, 16 को फैसल की तरफ थी, 18 को हमारी तरफ। ठीक है, तो जरा आपको मेहंदी दिखाते हैं जनाब कि इनकी मेहंदी के फंक्शन कैसे थे और किसने सबसे ज्यादा डांस। मैंने नहीं किया। दिल वाले हैं हम तो दिल लेके जाएंगे, आशिक हैं परवाने हैं हम मर मिट जाएंगे, दिल वाले हैं हम तो दिल लेके जाएंगे, आशिक हैं परवाने हैं हम मर मिट जाएंगे, अच्छा ये इस वक्त फैसल की अम्मा फैसल को सेहरा बांध रही हैं, फैसल आप उसको सेहरा, सॉरी सेहरा इसको खुला क्या बोलेंगे आप इसको? हमारे साथ फैसल की बड़ी बहन भी और इनके प्यारे प्यारे बेटे जनाब, इनसे इतनी खुशी मुझे आज तक की नहीं, फैसल की बहन है जी और चाहे बहन छोटी हो लेकिन हमेशा बड़ी बन जाती है, और मैं हूँ वन एंड ओनली बहन, इसलिए बड़ी कर सकते हैं। एक बहन की और साथ में हमारे जो मामा की बहन भी हैं, और ये साथ जो माशाल्लाह से तीन प्यारे प्यारे हीरोज आए हैं, ये डांस तो बहुत अच्छा करते हैं, ये डांस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा फैसल की मेहंदी में जो डांस सबसे अच्छा करते हैं, मैं आपको बता दूं जो अभी आपने वीडियो देखी है ना,
ये जनाब अली आरिफ के कैमरे से बनी. थैंक यू सो मच अली. मरहूम. कुछ ना कुछ इवेंट्स की वजह से, फैमिली इवेंट से हम लोग नहीं कर पा रहे थे ये, तो हमने आगे पीछे कर दिया था कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे कर रहे. जल्दी जल्दी में हुआ सब, तो अब जल्दी जल्दी में हुआ. अब जिसको हम पहले कहा हुआ था उसे कैंसिल किया, तो उसको जब दोबारा फोन किया उसने कहा यार अब तो मैं कहीं और डाल दिया. अब मैं फैसले मुझे कहा मेरा आईपैड पकड़े इससे शूट कर. मैंने कहा एक मिनट मेरे पास जब DSLR है तो आईपैड को क्या करें. मैंने DSLR निकाला हमेशा याद रहा है अली को DSLR आगे बढ़ जाए ना थोड़ा सा. मैंने शूट किया बहुत अच्छा. तो मैं बराहरा शुक्रिया भी अदा करता हूँ सबसे पहले अली थैंक यू सो मच. अगर तुम आपका DSLR नहीं होता मेरे बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कैप्चर नहीं हो पाते. और दूसरा ये कि हम इकट्ठे अफसोस भी कर लेते क्योंकि अब DSLR खुशी के मौके पे हम बिल्कुल जो है ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे रोना आए. तो जरा नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं और जरा अली मैं चाहूंगी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा डांस किया ना उनकी बहुत ज्यादा बार वीडियो दिखा. खुशबू से सांसों पे छा जा रे मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जा रे आ जाने मन हम आए तुझको लेने नजराना दिल का देने हम तेरे. हाँ वो आ गया लाइक इट वाज. It's a special feeling, na. We all have cousins. हम बचपन से इकट्ठे खेलते कूदते फला ढिमका. तो जब एक जब शादी में है ना ये सारे कर अरे यार तेरी भी हो गई. मैंने कहा भाई तेरी भी हो गई. Special feeling. दुल्हा दुल्हन को तो घर वालों को तो खुशी होती है. आपके दोस्तों में से किसको सबसे ज़्यादा खुशी थी जिसकी खुशी नाच के थ्रू निकल रही थी? बहुत सारे थे. एक तो मैं खुद भी था. I think फरियाल ये सबसे ज्यादा. Yes. भाई अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में. और नाच भी बहुत ज्यादा. मैंने सबके डांसेस देखे थे उस वजह से क्योंकि अली स्नैपचैट बना रहा था. मैं यहाँ थी नहीं लेकिन मैं सबके डांसेस देख रही थी कि वाह भाई वाह. तो जनाब वो न्यूज एंकर जो कि आपके टेलीविजन पे बहुत ज्यादा सीरियस नजर आते हैं क्योंकि उनको बहुत सीरियस न्यूज आपको देनी होती है, जब उनकी शादी पे गए तो जनाब वहां से आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितने बड़े कलाकार है आर्टिस्ट है. तो जरा देखिए जरा कि सबने कैसी कैसी परफॉर्मेंसेस दी है. सबके नाम बिल्कुल 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 जनाब. अच्छा इस वक्त मैं उसकी कमेंट्री भी कर दूं. इस वक्त जो आप स्क्रीन पे मुलायजा कर रहे हैं ये हम हैं. इसके बाद ये आपके सामने बहुत ही गरजदार किस्म की फरियाल है. फरियाल के पीछे जो ब्यूरो चीफ है और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो रमीज अहमद है हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं. उसके पीछे बुशरा है, उसके पीछे शैला है. शैला अभी गई है यहाँ से. शैला हमारी बहुत अच्छी रिपोर्टर थी, बहुत अच्छी बहन. इसके अलावा किरण नास को तो अब हम आप माशाल्लाह से सभी जानते हैं और किरण नाज है
फिर अदीला है, अदीला जो ऊपर हमारे असाइनमेंट्स पे बैठती है, असाइनमेंट्स पे बैठी है ना? बिल्कुल 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 नहीं, गलत गलत ना करना भाई, अदीला का फोन आ जाएगा, अभी फोन बना रही है, मुझे भी फोन आ जाएगा, ये प्रोड्यूसर। हां यस प्रोड्यूसर। एंड देन और किरण तो अभी शाहजेब है, और शाहजेब है शायद, ये तीनों मुझे नजर नहीं आ रहे इसमें। मुझे फैसल भाई ने थर भेज दिया था कवरेज के लिए, बड़े मजे से कहते हां शो आ रहे, मैंने कहा जो आपने मेरे मथे कम लगाया है ना थर जाने का, मैं उधर जा रहा हूं। किरण आप किधर थी जी? ये सवाल करें इनसे, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि किरण को मैंने वलीमे वाले दिन एक बहुत बड़ा सा ऑडियो मैसेज किया था ना, ऑडियो मैसेज किया था कि अगर आज आप नहीं आए तो मैं आपसे लातालुकी का ऐलान करूंगा, और आइंदा के लायमल का ऐलान भी मैं करूंगा। अच्छा, और इनकी शादी का कार्ड इतना जबरदस्त है, बस मुझे ही नहीं मिला। नहीं नहीं, मैं सबका कार्ड देकर गया ना, इट वॉज नॉट अ कार्ड, वो हाँ वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ये शादी है, आपने पहुंच गए। और अली तो वहाँ पे थे, क्योंकि अली जो है वो कैमरामैन के भी जो फराइज सरंजाम देते हैं, मैं कैमरा के पीछे था। हर नाचने वाले शख्स की स्नैपचैट डाली मैंने, वहाँ सबको देखा, जो स्टेप आप यहाँ पर मिस करें वो स्टेप सारे मैंने देखे हैं, और मैं हैरान थी, बहुत से ऐसे स्टेप्स थे जिस तरह अल्फाज को हम अज़ब कर देते हैं ना, स्टेप्स भी अज़ब कर दिए। गुड वन। अच्छा मैं देख रही हूं रमीज साहब है, मैंने उनका ये दूल्हे का तो जरा देखी ना खुशियां, सबसे बेस्ट डांस आपने, यस नो डाउट। चलो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रही हूं, कहीं मजा आएगा। तेरे लिए बनो मेरी, तेरे लिए हिना गुंजलाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां, तेरे लिए बनो मेरी, तेरे लिए हिना गुंजलाई है परियां। After the break, और हम आपको गाहे बागाहे इनके के जितने भी लम्हात कैमरे की आंख ने महफूज किए हैं वो दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा बहुत ना, अभी एक महीना हुआ इनकी शादी को, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी किस हद तक डेवलप हुई है और आपस में एक दूसरे को कितना जान पाए हैं, तो ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट हम ये इनका यहाँ पे लेंगे, और इसके लिए भी जना भी करेंगे कि फैसल आप आके इधर बैठ जाइए, अच्छा, एक दूसरे को फेस नहीं करना, और भाभी जी आप आके यहाँ पे बैठ जाएं, लेकिन मोहब्बत में हम आपको भाभी, आप बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं मुझे भाभी, मुझे मेरे नाम से बुलाएं, अच्छा ओके ठीक है, नहीं वो अलग है, आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना। जनाब अच्छा मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है, और उस सवाल का जवाब में आपको जिसकी तस्वीर ज्यादा, एक तरफ आपकी पिक्चर है एक तरफ फैसल की पिक्चर है, और आप लोगों को लगेगा कि जो मैंने सवाल पूछा है उस पर ये शख्स उसका जवाब है, तो आप उसकी पिक्चर कैमरे की तरफ आगे करके दिखाएंगे, और अगर आपकी पिक्चर सेम हो यानी कि जवाब सेम हो तो ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, तो जनाब घुमा भी सकते हैं समझना है तो। हाँ घुमा भी सकते हैं। अच्छा जी, तो पहला सवाल आपसे ये है, ओहो थैंक यू, हाँ किसने पहले इजहार किया था मोहब्बत का? क्या बात है, ये निकाह से पहले किया था, जब पहली मुलाकात की बात किया था कब किया था ये मैं साथ में बता दें, मुंह से बता, नहीं नहीं दोबारा नहीं, निकाह के बाद, निकाह की बात किया था, नहीं निकाह से पहले, निकाह से पहले मोहब्बत का इजहार किया था, वो क्या ये लव एट फर्स्ट साइट थी, इन्होंने अरेंज को मैं वो लव में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, क्या बात, कामयाब हो गया, सारी शादी ऐसी अरेंज लव, हाँ यार क्या बात है। आप दोनों में से लड़ाई में पहल कौन करता है, लोगों को दिखा रही पिक्चर, आप लोगों में से लड़ाई में पहल कौन करता है, सियासी बहन होती नहीं, अच्छा कैफ जो कि फैसल की बहन है और साथ में आयशा और मामा की बहन है, नहीं फैसल तो बता रहे मैं पहल करता हूँ, मनाने में पहल कौन करता है, क्या बात है जी क्या बात है, मनाने में पहल कौन करता है, इनके सवाल वाओ। अच्छा किसको कौन खराटे ज्यादा लेता है, किसको खराटे लेने की आदत है, उधर ही दिखा दे, जवाब सेम आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है भाई, नखरे की हर जवाब फैसल भाई आ रहे हैं, राफे साहब ने हेडलाइंस कराने के लिए, नखरे की मशीन कौन है, दिखा 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 नखरे की मशीन, उधर दिखा दे, उधर लोगों में ओ चेंज, वेरी वेरी राइट। अच्छा जी पेट का हल्का कौन है, अच्छा पेट का हल्का कौन है, दोनों उधर दिखाएंगे,
पेट का हल्का कौन? कोई भी नहीं, दोनों बहुत भारी। कोई भी नहीं, भी सही है। अच्छा उधर ना देखिए वो कौन सी पिक्चर दिखा रही है, मैं आंख में हाथ रखूंगी वरना। कौन मेरा जवाब है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही है, मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। शॉपिंग फ्रीक कौन है, किसको ज्यादा शॉपिंग का शौक है? चले अब ऐसा करते हैं कि ये आप इनको पकड़ लीजिएगा और ये कैमरा इनको पकड़ लेंगे, यही मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो रही है मेरा मतलब इसको, ठीक है। अच्छा जी कौन कौन करता है बात बात पे बहस? सच तो कुछ भी नहीं है। चलो एक बार फिर इस पे हम न्यूट्रल, न्यूट्रल ठीक है। किसको है वहम की बीमारी? मुझे। क्या क्या वहम है? लेकिन आप बोली हैं इसलिए उन्होंने, इसलिए उन्होंने भी आपको लगता है नहीं क्यों मिला नहीं, 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 भाई बहम इज लाइक उमामा जो है वो हो जाती है बहुत ज्यादा लाइक ओह माय गॉड अब क्या होगा। काली बिल्ली वाला हम जब वापस आ रहे थे दुबई से तो टिकट का कुछ आगे पीछे हो गया ना, बोर्डिंग का कुछ इशू हो गया। अब जो हालत हुई थी मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को काम एंड क्वाइट रखूँ तो आज क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है ना बहुत कुछ भी हो जाए आगे स्क्रीन पे काम लेकिन नहीं अब वो जहाज निकल जाएगा तो हम कैसे जाएंगे यहाँ पे खत्म हो गए तो हम यहाँ पे कौन से होटल में रुकेंगे, जिस होटल में रुके थे वो भी कौन सा अच्छा था। क्योंकि हम इनकी हर बात मानते हैं, क्योंकि जो बात मानते हैं जो बात कहते हैं वैसे सच्ची बात कहते हैं। और अभी भी देखें मैं सच क्योंकि हम आप भी हमारी फैमिली तो बातें शेयर करें। अच्छा जी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं पहले कॉल ले लूं, पहले ये गेम खत्म करूं मैं। अच्छा चलिए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मरिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? सर ताहिर भट्ट बात कर रहा हूं, ढोकरता से, रावलपिंडी से। फैसल साहब को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया। माय फेवरेट चैनल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। चले मैं जरा पहले गेम खत्म कर लेती हूँ। अच्छा जी कौन नींद में बोलता है? कोई भी नहीं। एक हाथ से मैं भी खड़ा कर लेती हूँ, मैं भी बोल रही होती बहुत। एक ने कहा कोई भी नहीं, लेकिन एक कहीं से जवाब आया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मुझे पता है ना। इससे ये क्लियर होगा कि एटलीस्ट फैसल नहीं बोलते नींद में। कौन है ससुराल में फेवरेट? मैं। क्या बात है जी। कौन है जिसकी हिचकियां बंद नहीं होती? No one. अभी ऐसा एनकाउंटर है, किसको बात करते हुए बात भूल जाती है? किसको हर टाइम भूख ही लगी रहती है? अच्छा भाभी ना फौरन जल्दी से पैसे पे की शक्ल की, मतलब यही है, यही है, इस पे बिल्कुल बात कर दो। हाँ, देख लो गौर से, देखिए इस शख्स को। अच्छा जी रोमांटिक ज्यादा कौन है? मोहब्बतों के पंखे उड़ रहे भाई। ओ, 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 ओ। एक आपको सच्ची सच्ची बताएगा, हेल्प मिल रही थी ना जब सामने टीवी लगा हुआ था? नहीं अभी आप सोच रही थी रोमांटिक कौन है, तो जैसे फैसले आप मैं शर्मा रही थी अपना नाम लेते हुए। हाय अल्लाह जी शम्मो आ रही थी हमारी दुल्हन को जी, जोरदार ताली हमारे दुल्हा दुल्हन के लिए। अब जनाब आज आ जाए वापस आ जाइए और अब एक एक और चीज़ हम जरा गेम खेलेंगे और उस गेम में मैं खैर आपके पास ये साथ में आप देख रहे हैं फैसल की डैनिस की वीडियो, ये कौन से गाने पे डांस कर रहे थे फैसल मुझे जरा ये तो बताएं। काला चश्मा, काला चश्मा। फैसल डांस की प्रैक्टिस की थी मेहंदी पे अपने या उसी वक्त आपको आमद होती है? क्योंकि खुशी बथेरियां नहीं, छुट्टी एक दिन पहले ली थी मैंने। अच्छा अपनी शादी वाले दिन भी देखे, रात को जाके लड़के ने डांस करना है तो मायूस था ना रात में, अगले इतवार को मैं रात 9 बजे बुलेटिन कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मेरे ख्याल से हम जरा एक टीम बना लेते हैं, अब आप खुद बता दें कि दूल्हे की पार्टी में कौन है और दुल्हन की पार्टी में कौन है।
दोनों ही पार्टी हैं। हाँ, दो पार्टी है, तो एक पार्टी नहीं, है। क्योंकि मुझे गेम खेलनी है ना, अब बताएं आप इशारा करें हमारी पार्टी का, आज हमारी तरफ है। अच्छा ठीक है, तो फैसले की पार्टी में आगे हैं शुएब और किरण, ठीक है, और दुल्हन की पार्टी में खैर मैं तो वैसे एंकर हूँ, सिर्फ मैं भी हूँ, अली भी है और राह है, और आप भी जनाब, आपने इस बार क्या करना है कि आपने सपोर्ट करना है अपने बहनोई को, यस, और आपने सपोर्ट करना है अपनी भाभी को, तो मैं खुद वैसे ही बैठ जाके क्योंकि राफिया आप इधर आ जाए, हमें ही पड़ा चले, आप इधर आ जाइए, राफिया इधर आ जाइए, आप अब इधर आ जाइए कैफ। अब जनाब गेम कुछ यूं है, क्या है, क्या है? ये फैसल भाई से दूर रखें जो भी है, ओके okay. हाँ, खाने की चीज नहीं है बाहुल ऐसे। अच्छा इससे पहले कि मैं गेम खेले, मैं गेम का आपके बारे में बताऊं, एक कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं तलत बात कर रही हूँ, मिसेस तलत कराची से। कैसी आप? फैसल जी, मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। फैसल अगर मैं जी जी, फैसल और कैफी दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो आपकी रिश्तेदार लग रही है, आपको कैफी बोल रही है। थैंक यू सो मच। पहचाने कौन है उसे? आवाज तो मुझे लग रही है, जानी पहचान। हाँ पहचानो, थोड़ी सी कोशिश करो। रक्षी बाजी हैं? अरे जीती रहो, खुश रहो। मदर की साइड से है? नहीं, ये मेरे फादर की साइड से, हमारी सिस्टर होती है ये। अच्छा, फर्स्ट कजन सिस्टर। अच्छा कोई एक अच्छी बात बता दे फैसल की, बल्कि अच्छी बात तो सबको पता है, कोई बुरी बात बता दे। तुम लोग फैसल की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, कोई एक क्या बात कहूं, इसलिए कह रही बुरी बात। अच्छा सा भाई है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आई कुडंट अटेंड हिज फंक्शन ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, और लेकिन मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों, और अल्लाह हमेशा खुश रखे, हमेशा हमेशा खुश रखे, इलाही आमीन। और रक्षी बाजी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि आपको भी क्लिप दिखाती हूँ, इनकी बारात की क्लिप है जी, तो जनाब इनकी बारात की उधर वीडियो में आपको दिखाते हैं कि बारात पे कौन कैसा लग रहा था, जोड़ों के बारे में टिपिकल लड़की वाले सवाल होते हैं वही पूछेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी भी, बहुत प्यारी लग रही थी जी, और अब ये बारात की जरा जो बारात आई इसके मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं, और जनाब जो इतना प्यारा जो दुल्हन ने जोड़ा पहना हुआ, ये बेसिकली कि नंद की आपकी कैफी जो बैठी है फैसल की बहन, उन्होंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, और जब फैसल बारात लेकर आए थे दुल्हन, तो हमने आपको दिखा दी, मुंडा वैसे दिखाना है ना, जरा देखिए जब दुल्हे साहब ने एंट्री मारी थी तो उनकी एंट्री कैसी? हमारी टीम है भाई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बने, जे तेरी मेरी गल ना बने। ओ, 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 ओ,
سے ساتھ میں اماں اور یہ جو چھوٹے. اچھا جی یہ خاص بات ان کی بارات کی بھی تھی کہ ویسے تو آپ نے بارات میں ایک شہبالہ دیکھا ہوگا لیکن ان کی بارات میں ماشاء اللہ سے تین شہبالے تھے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر کیا تھی آپ بتائیں ریزن یہ تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مس آؤٹ ہوتا تو ہم آگے ایک سال تک چین سے سو نہیں سکتے تھے. اس کی ریزن میں ابھی بتاتا ہوں. ادھر آ جاؤ ادیم, ادھر آؤ ادیم, آ جاؤ ساتھ, آ جاؤ ادھر, ادھر جلدی 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 جلدی. اوکے تو یہ ہیں وہ تین شہبال, ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح ہے, ان کو میرے پاس نہیں بیٹھنا, مامی کے پاس, مامی سے زیادہ دوست, ٹھیک ہے. تو یہ ہیں ادیم فضیل, ٹھیک ہے, اور ادیم فضیل آر ٹوئنس بٹ دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل, دے آر فٹرنل ٹوئنس. اور کون بڑا ہے؟ ادیم بڑا ہے, دو منٹ بڑا ہے ادیم صاحب ہے, پھر یہ فضیل ہے. اینڈ ان دونوں کی جو بھی شرارتیں ہیں اف دے آر کمبائنڈ اینڈ دے آر ملٹی پلائڈ بائی 10 تو وہ یہ بھائی صاحب ہیں, سادھو, ٹھیک ہے, یہ ساد ہے. اور چلو ہم لوگ مدیا اگر ہم لوگ اپنے انداز میں ان کو ویلکم کریں آپ ہمیں الاؤ کریں گی؟ بالکل بالکل, کیوں نہیں جناب, کیوں نہیں, ذرا مائک, بالکل مائک مائک پکڑنے کا نا, ارے ارے بس, اوکے تھینک یو. سو یہ لیجیے لیجیے ہم نے یہ کیا تھا. ارے بھائی یہ لے لو, یہ دیکھا اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک شہبالہ ہم نے کیوں نہیں رکھا. تو جب ہم واپس آ رہے تھے ولیمے سے تو مجھے کہا کہ اس گاڑی میں بیٹھو, نہیں میں نے لیا ماما کو اور ان تینوں کو لیا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. اور ہم لوگوں نے واپسی میں کیسے ویلکم کیا ہم دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کریں, چلو 1 2 3 4 اے دل میرے چل رے دھیرے 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 تو ذرا سنبھل لے دھیرے 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 دور نہیں ہے کیا قیمت ہے ایک بار گرا اتنا مشکل چھوٹنے نے یہ بچوں نے ایسے ویلکم کیا تھا. ابھی کالر ساتھ ہیں یا پھر میں گیم کھیل سکتی ہوں دوسری والی؟ چلے پہلے کالر لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسی ہیں جی؟ جی میں بالکل ٹھیک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ سید بٹ بول رہا ہوں جی, وادی نیدا مزار کشمیر سے. جی جی سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گے سر, اتنی ٹھنڈے علاقے سے بھی کال کر رہے ہیں ہمیں. بس فیصل بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہیں جی, مجھے پسندیدہ بندے ہیں ہمارے, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسی لائف گزر رہی ہے. ہائے بتائیں کیسی لائف گزر رہی ہے, مسکراہٹ بتا رہی ہے. یہ ترجمانی کر دی میوزک نے یا نہیں؟ نہیں نہیں, بہت اچھی, ماشاءاللہ لاکھ لاکھ شکر, بہت اچھی. احمد یو نو انٹرسٹنگ تھنگ, جی جی انٹرسٹنگ تھنگ ہے, لوگ ایک ڈیٹ یاد رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو ڈیٹس ہیں نا وہ پتہ کیسی ہیں؟ ہماری ڈیٹس ہیں 2nd December از نکاح, تو ایک یہ ہو گئی, یہ نہیں بھولنا. اچھا پھر ہو گیا ہمارا ڈیٹ کب رکھائی تھی ہاں وہ جو گئے تھے ولیج, جو بھولنا نہیں تھا, چلے لیکن اٹ واز ان سپٹمبر, آئی گیس 29 ٹھیک ہے, 29 سپٹمبر ڈیٹ رکھائی, 2nd December سائن کرائی, اچھا اچھا پھر اس کے بعد ہمارا پہلا مائیوں میرا تھا,
16th and then 18th and then 21st barat and then 23rd bade gap the waise ek saath bhi hote hain engage kiya rakha hai na aur ek add kar le 25th january today ha ek hai 25th ek aaj ha thank you shiv acha ji ab zara main aapko ek aur entry dikhati hu inki bahut hi shandar event ki jisme itni pyari entry aapne likhi hogi jisme hamare ek liye हमारे तो वैसे भी फैमिली के तो हमें इनसे प्यार और कौन लगेगा तो जरा देखिए तो सही थी दोनों की एंट्री दबंग किचन की अच्छा ये वैसे आइडिया किसका था फैसल ये टोटली सरप्राइज था अरेंज हुआ था जिसका इवन मुझे भी नहीं पता था ये इनके बहनों ही साहब को और इनको पता था तो ये टोटली सरप्राइज था जस्ट फॉर उमा और सिर्फ ये एक सरप्राइज नहीं था वलीमे में भी एक सरप्राइज वलीमे में भी सरप्राइज वो दिखाएंगे लेकिन अभी जरा क्योंकि रुखसती के लिहाजे से रोई थी उमा इसी टाइम पे मैंने आयशा को देखा था तो उसकी आंखों में आंसू थे बस उस वक्त मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे दिल भर गया था और अभी तो एंट्रीज के इवेंट के लिए थी ना ये बग्गी जो थे उसके आगे मेरे भाई थे तो जो लेके जा रहे थे तो वो मोमेंट जो था ना भाई आगे होते ना वाकई अब मैं जा रही हूँ मुझे निकाह पे फील नहीं हुआ अच्छा ये अच्छा इसका मतलब ये आपकी एंट्री नहीं थी जब आपकी रुखसती वो थी या फिर आपकी रुखसत ये अच्छा ये ओके ठीक है मैं करेक्ट क्योंकि मुझे एंट्री बताई थी ये रुखसती थी इनकी जनाब जिसमें इतनी प्यारी बग्घियाँ बैठ के जा रहे थे ओ तो जरा रुखसती के लम्हा जो है जिसको कहते हैं ना सख्त बिल्कुल निकाह पे नहीं रोई और किसी जगह पे नहीं रोई अच्छा जब आई जब दोनों अंकल आंटी लेकर आए तो उस वक्त भी नहीं रोई अभी जब इधर बैठी ना तो मैं और इस वक्त बिल्कुल चिल क्योंकि उमामा लेकिन जो इन लम्हात में क्योंकि ये रुखसती के लम्हात हैं हाँ बिल्कुल उमामा जो है ना वो ऐसा है कि बिल्कुल चिल रहती है और ये बिकॉज शी वॉज अ वर्किंग वुमेन एज वेल ठीक है ना ये भी बताऊं कि ये हमारा ऑफिस ये रहा और मामा का ऑफिस ये था सामने एमसीबी टावर अच्छा बिल्कुल सामने नहीं नहीं नाम नहीं लेना ब्रांडिंग हो जाएगी नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसे में अच्छा मैनेज किया ना वो करीब में हां ठीक है तो बिल्कुल ऐसे आमने सामने था मतलब ऐसे हम खिड़की से निकाल के एक दूसरे को यूं भी कर सकते थे हां किया था उसने नहीं कोशिश तो नहीं 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 कोशिश तो नहीं की थी ये भी इसका एक पहलू है जब हमें पता था ना कि हम किससे शादी कर रहे हैं वर्किंग वुमन है बहन को भी पता था छोटे भाई को पता था मुझे भी पता था अम्मी को भी पता था तो उस वक्त ये था कि अम्मी बहन मैं सब ने मामा को ये कहा कि यार तुमने पढ़ा लिखा है शी इज मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स एज़ वेल तुमने पढ़ा लिखा है तुम काम कर रही हो तुम्हें काम करना है ना बिकॉज मतलब बात यह है कि हम जब स्क्रीन पे बैठते हैं ना तो हम वैसे तो स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं कि जी इक्वालिटी ये वो लेकिन जब हम पीछे आते हैं तो हम अगर ऐसा करें तो ये हमारी पर्सनालिटी के साथ तजाद अच्छा मैं इनकी सर आपको बिल्कुल दिखाऊं जब रुखसती के लम्हात थे तो फिर थोड़ा सा हर लड़की की जिंदगी में ये जरूर मोमेंट आता है तो जब उमामा की लाइफ में मोमेंट आया था तो आप ही देखिए साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब लवे साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब ला असा उड़ जाना असा चंबा वे बाबला
जो फीलिंग होती है कोई मुझे खुद बहुत खैर अपनी दिल जिनके छोटे होते हैं वो जल्दी रो भी पड़ते हैं उस फीलिंग को आप लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकते लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जो झटका लग रहा होता है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा किसको था कि लिपट के सबसे ज़्यादा किससे रोई थी बिना रोए बता दें अब्बू अम्मी दोनों से और सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी बहन से क्लोज हूँ तो इनके साथ तो रूम शेयरिंग और दोनों जॉब करते हैं तो वीकेंड पे प्लान करना रात को मूवी देखना पूरा सारा अरेंजमेंट फ्रेंड्स को बुलाना मतलब आना जाना बाजार शॉपिंग हर चीज़ एक साथ कपड़े क्या पहनने हैं क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है अभी आप इस साइड पर होते हैं और उसके बाद से आप हमेशा के लिए उधर से निकल के आप दूसरी साइड पर आ जाते हैं और मुझे तो बिल्कुल ना हालांकि बड़ी बहन मैं थी और नखरे मेरे ज़्यादा उठाए जाते थे मेरी छोटी बहन मुझे पैम्पर करके रखती थी क्या सबसे ज़्यादा चीज़ अब आप फील करती हैं कमी में कि बड़ी बहनों से बहुत बड़ी बहनों के बहुत फ़ायदे भी होते हैं हाँ माइक 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 जी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है ज़्यादा बात नहीं करती थी इवन मैं बाहर भी जाती थी तो एक दफ़ा ये हुआ था हम लोग अपनी नानी के घर जा रहे थे रोड पे से गाड़ी आ रही थी एंड मैं कबूतरों की तरह आँख बंद करके खड़ी हो गई भाजी ने उस वक्त मुझे बोला क्या हो गया है उसके बाद इन्होंने मुझ पर वर्क करना स्टार्ट किया मैं पहले टीचिंग करती इन्होंने कहा बस टीचिंग ख़त्म फिर इंटरव्यूज़ किए मतलब फिर ऑफिस जॉब स्टार्ट कर दी के बाद काफ़ी मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें सारा क्रेडिट इनका है कि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की है बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस दिया है जो कॉन्फिडेंस है सब इनकी वजह से रियली मैं मिस करती हूँ सब खिली हुई लड़कियाँ जो होती हैं मतलब अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही होती हैं और यकीन मानिए अगर फैसल यहाँ पे हैं शुएब हैं मतलब मिसालें हैं ये कि उस चीज को फिर पूरा उस तरह से निभाना भी कि एक चीज एक कोई अपना सब कुछ छोड़ के आया फिर उसको मैं एहसास ना होने सब कुछ छोड़ कर आया ये पता है ये जो आंसू है ना ये बहनों का जो एक बॉन्ड होता है बिल्कुल उसके लिए हर गुजरते लम्हे ना बहन को मिस कर रहे होते हैं जो शादीशुदा बहन होती है वो सोच रही होती है कि जो घर पे बहन है दफ्तर में होगी घर पे होगी मम्मा पापा का ख्याल कर रही होगी कि नहीं कर रही लड़ाइयां मिस करते हैं अच्छा और मेरे साथ किरण जो मेरी बड़ी बहन थी उनकी मेहंदी की रात उनको उनकी शादी के लिए मेहंदी सारी मैंने लगाई थी मैं पूरी मेहंदी लगाते हुए रोती रही थी अगले दिन मेरी आंखें सूजी नहीं वलीमे में भी उसके बाद वो जब मिलने भी आती थी तो वो जब जा रही होती थी तो मैं ऐसे हिचकियों से रोती थी और मुझे बल्कि वो बहुत डांटती थी मेरी बड़ी पिटाई भी होती थी लेकिन जब वो गई है तो तब पता चलता है भाई कि वैसे बहुत कहते थे जब इसकी शादी होगी मैं नफल अदा करूंगा लेकिन जब उसकी शादी हुई रूम खाली हो जाएगा ना बॉन्ड का वाकई नो डाउट मतलब मेरी वाइफ कभी डाउन होती है मैं बहुत कोशिश करता हूँ डाउन ना बिकॉज़ वी आर लिविंग हियर अलोन तो मैं फील कर लेता हूँ ना कि अभी डाउन है मैं चुपके से ना उसके फादर को मैसेज कर दूंगा आप जरा वैसे फोन करके हाल चाल पूछ लेंगे शी इज हैप्पी ना वो बड़ा मुस्कुराएगी मैं इतनी सी बात है वो बॉन्ड है ना बॉन्ड लड़की बहुत करीब होती है मूड को भी चेंज करना बहुत जरूरी है हमारा बॉन्ड बहुत पक्का है वो हमारे ब्रेक से अगर ब्रेक हमारी ना आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जनाब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ जाएगा वापस आते फौरन ही मैं चाह रही हूँ जरा एक और टेस्ट हम इनका लेने की कंपैटिबिलिटी टेस्ट में तो दोनों के मार्क्स 100 में से 100 बल्कि 1000 में से क्योंकि इतनी अच्छी माशाल्लाह से इनके अंदर सभी से अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से नज़र ना लगे लेकिन ज़रा ये भी हम देखते ना कि जी आयशा भी देखिए इतना रो रहे थे जो घर वाले भी क्योंकि हम सारे बड़े एकदम डाउन हो गए थे रुखसती के लम्हात ऐसे होते हैं तो उनको खुश भी तो करना है कि जी जो लड़की है वो बड़े सेफ हैंड्स में और लड़का बहुत मोहब्बत करता है इतनी मोहब्बत करता है कि अभी हम लड़के को 3 अदर टास्क देंगे और वो टास्क अगर लड़के ने पूरे कर लिए क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मेरे टास्क भी छोटा कर दिया है तो उस पर फिर गिफ्ट मिलेगा और गिफ्ट लड़के को नहीं मिलेगा हमारी भाभी को मिलेगा ठीक है जी काम करेगा लड़का सारे काम करे हमारा लड़का और फिर मेरे भाभी को चलो कोई बात नहीं
बिल्कुल। और ये गिफ्ट एक तरह से सब इसको मैं क्या भी हिंट दूँ गिफ्ट के वाले से, बट सब इसको एक तरह से इन्जॉय कर सकेंगे। अच्छा फैसल देखें, वो कहते ना कि जब आप किसी से मोहब्बत का इजहार करते हो और आप कहते हैं कि तुम मुझे जहर भी दोगे तो मैं खा लूँगा, यानी कि कुछ भी तुम दोगे जस्ट बिकॉज मुझे तुम पे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारे हाथों मरना भी मुझे कबूल है, महबूब के हाथों से मैं मर गया तो मेरी शायरी और कमाल हो गई, वो वाली चीज़ उनकी हो गई है। अच्छा लेकिन इस तश्तरी में, जी तश्तरी में इस सफ़ेद कपड़े के नीचे वैसे क्या लग रहा है, क्या 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 होगा इसमें, क्या होगा इसमें, क्या होगा जो भी होगा खाना होगा, आपको अब तो जो भी होगा आपको खाना पड़ेगा, खाना होगा बिल्कुल खाना जनाब, खा लेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो अपनी डाइट अपने दोस्तों के लिए तोड़ देती हूँ अच्छी चीज देख के, तो ये तो फिर बेगम है, क्यों नहीं डाइट अच्छी चीज देख के, अच्छी चीज आपको बता रही हूँ, हो सकता है इसके अंदर भी अच्छी चीज हो। तो अब आजे जनाब और जरा हटाएं लोगों के सामने से पर्दा कि इसमें क्या है और जो होगा आपको खाना पड़ेगा। रुक जाएं, क्या लग रहा है क्या होगा इसमें, लड्डू जो कि खाया जा चुका है। ये देखो ये ना कोई ऐसी फ्लैट सी चीज लग रही है, तो ये तो पिज़्ज़ा टाइप लग रहा है ये। देखिए बात सुने, डाल दो ये म्यूजिक, डाल दो जानवरों की जड़ी बूटी भी हो सकती है, हार्ट अटैक वाली म्यूजिक डाल दो, डाल दो ये कौन सा हार्ट अटैक है, ये बात क्या है, ये सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। ओके चले चले हटाएं, ओके 1 2 3 सारी नहीं पर आपको 3-1 मिनट के अंदर अंदर एक बार फिर क्लियर कर दें, कितने मिनट में क्या, 1 मिनट में 3 खानी है, 1 2 3 हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अरे यार मसला रुक रुक रुक, मैं इनको हेल्प करूंगा, नहीं 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 हाँ क्या भाई, हम 4 भी खिला सकते हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, हम 4 खिला सकते हैं, आपने खानी है सिर्फ, आप अकेले, ठीक है ठीक है। मैं एक बात बताऊं, वो आपने बताया था ना वेट कॉन्शियस, ये वो शादी के बाद तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरा, आई एम कमिंग बैक, तो शी इज माय पार्टनर इन जिम एज वेल, ठीक है, तो ज्यादा 1.5 घंटा और करवा लेंगे। अब 1 मिनट में कितने वो हो जाते हैं, वो स्किपिंग का स्किप कितने, अराउंड 130 130 140 एक मिनट में 140 कूदियां और अब 1 मिनट में ये, चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है 3 2 1 1 0 अगर आप आएंगे ना 2 3 4 5 तीन की बात की थी आपने, तीन की बात की थी और गेम करवानी है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको, ओहो टाइम तो बहुत ही कम है, वो गेम जरा, लेकिन आप जीत गए जनाब, जोरदार वलीमे की वीडियो दिखा दो, मीनवाइल इनका गिफ्ट भी आ जाएगा और इतना प्यारा गिफ्ट है, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा, जरा वलीमे की इनकी वीडियो दिखाएं जरा, फिर मिस ना करूं ना मैं कुछ भी इवेंट का। दिलवाले हैं हम तो दिल लेके जाएंगे, आशिक हैं परवाने हैं हम मर मिट जाएंगे, दिलवाले हैं हम तो दिल लेके जाएंगे।
सजाएंगे परवाने हैं शम्मा की खातिर जल जाएंगे शोलों का दरिया हो चाहे पास आ जाएंगे तुमसे चुरा लेंगे तुमको सनम अपना ये जो वैसे अब देखते हैं सारी वीडियोस क्योंकि लोगों के सामने इतना पोज मारते हुए शर्म आती होगी लेकिन जब कैमरा मैन ये बना रहा होता है कि जाके आपने ऐसे बैठना है और फूल पेश करना है तो कैसा ये इनसे पूछ ले पहले बहुत 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 ऑकवर्ड लगता है सब आपको देख रहे होते हैं बिल्कुल फोकस करके और आप ऐसे 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 बहुत एम्बैरेसिंग भी लगता है क्योंकि जो टीवी का नाम ना देखिए बाद में हम देख रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है और ये बाकी लम्हात ऐसे होते हैं कि इनको और जितने मैं कहती हूँ फिल्मी तरीके से या इसको ड्रामेटाइज तरीके से बात ना आगे लेके जाएं गिफ्ट दें पहले चले हमें नहीं बताया हमारी भाभी का गिफ्ट का है हां यार पांच तो पांच खाए पांच खाए मैंने भी खाया मुझे चाहिए फैसल भाई हमने पांच खाए ना मेरा हलक कड़वा हो गया तो इतना जबरदस्त गिफ्ट जनाब लुक एंड कुक के जाने से मैंने बोला था ये गिफ्ट जो है ये केक है मिसेस वामिक ने बहुत ही प्यारा केक स्पेशली फैसल और उमामा के लिए ये जो तैयार किया है ये भी हम काटेंगे लेकिन उससे पहले जो आप सरप्राइज की बात कर रहे थे मुझे लास्ट मिनट से बता दीजिएगा ताकि हम आ जाए केक की तरफ जो सरप्राइज था इसमें वो इसमें एग्जैक्टली वही जो एंट्री वाली चीज़ थी आपकी जिसमें गैज में थे बग्गी थी तो इनको अच्छा लगता था ऐसी चीज़ें कभी बहुत या प्रिंसेस फेयरटेल्स में जैसे सिंड्रेला वगैरह मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन ऑब्वियसली जब कोई आपके लिए इतना स्पेशल और प्यार से करता है वो एक खुशी की बात आपके आपको एक फूल भी दे तो अच्छा लगता है फिर तो ये बहुत ही अच्छा पहला गिफ्ट क्या दिया उन्होंने शादी के बाद आपको शादी के बाद इन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पे क्या ये बाकी मुझे याद आ गया दिया था यार शुक्र है अच्छी बहुत बड़ी सी जॉइंट मेकअप किट दी थी क्या बात है वो उसकी भी स्टोरी है नहीं एक मिनट क्यों मेकअप आपको ऐसा क्यों लगा आपको ऐसा क्यों लगा मेरे ख्याल से अब हम आउटडोर पे थे शायद पता नहीं लाहौर में था वर्ल्ड 11 आई हुई थी बिल्कुल वर्ल्ड 11 आई थी हम आउटडोर पे थे तो वहाँ पे अब जाहिर सी बात आउटडोर होते ना बातचीत नहीं हो पाती ये भी हमारी एक इसका बड़ा हिस्सा है फील्ड का वालदैन से दूर बेगम से दूर ठीक है लाइव बैठे होते और फोन साइड पे अब ये जो है ना मैं ये सो जाती थी मैं 2 बजे वापस आया रात में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था ना तो इसका एक ऐसा फ्लैश करके आया कॉमेंट एक तस्वीर आई मेकअप की हुई ना और उसमें लिखा हुआ था हाय काश कोई मुझे दे देता फिर उसको इनबॉक्स हंट डाउन किया हाँ वो जो पता नहीं कौन अच्छा तरीका अगले को कहने का हाय काश मैंने सोची कि मैंने भाई की बड़े सारे घर या उसकी तस्वीरें की हाय और मैं ट्विटर पे लगा दूं अच्छा मैं जल्दी से कॉल लेती हूँ और ये कॉल भी इनकी फैमिली से है तो जरा गेस करते कौन है अस्सलाम वालेकुम जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही है कैफी ये मेरे हस्बैंड है फॉरन ही हस्बैंड सरताज का फोन आया जी जी कैसे हैं ठीक है इनको कैसे नहीं पहचानूंगी अबे इन्होंने कैसे फोन कर दिया जी सर कैसे आप ठीक है भाई मुझे बिल्कुल ठीक ठाक आप लोग बताएं सब खैरियत से हैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी कैसे फैशन ने मैं याद नहीं किया हमने का प्रोग्राम देख रहा था कॉरिडोर से गुजर रहा था तो समा चला था तो मेरी नजर पड़ गई तो इसीलिए मैंने कॉल बैक करी मैंने कहा देखें ये लोग तो जो में आए हुए ये पता नहीं था जनाब आपके नहीं आपको मैसेज जरूर कर रहे हैं जो आपके बच्चों ने यहाँ पे भी उधम मचाया है ना अच्छा एक क्योंकि टाइम बस कम है मुझे बताएं आप बच्चे आप पर गए हैं कैफी पे गए हैं उन्हीं पे ये तो सब पे गए हैं यानी ननिहाल और दबियाल दोनों पे गए हम पे नहीं गए चले सर
بہت شکریہ, ہمیشہ مسکراتے رہے اور اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. تو جناب اب کیونکہ ٹائم کم ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گی ذرا رافے ایک زبردست سا گانا ہو جائے. آ جائے جی. اور گانے سے پہلے مدیحہ میں اپنے فرائض انجام دے دوں جی. گانے سے پہلے کیونکہ مجھے آپ سوٹ میں دیکھتے ہیں اور آج میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے. درویش بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے نیو لک دیا ہے اور ٹیک اپ میں آپ کو بتائی دیا تھا. اور میں نے روزینہ ملی کی اور میں نے ڈیکوریشن یار اپنے ہم نے کسی کو نہیں ان کے پہن لیا, وہ خود کا پہن لیا. آج آج جی آج فلمی انداز میں انٹری دن دن بولے تیرا وانا با رس عشق دا ڈولے تو سانو بھولی نا تینو ویکھ کے لولو بولے نی سب تو سوڑیے آئے نی من بوڑیے نی سب تو سوڑیے آئے نی من بوڑیے میں تیرا ہو گیا پیار وچ کھو من موڑیے عشق نہ پوچھدا داتا بکھنے اودیاں باتاں بکھرے دن تے راتاں پھر بدل برساتا عشق نہ پوچھدا داتا بکھنے اودیاں باتاں بکھرے دن تے راتاں سب تو توڑیے آئے نی من موڑیے سب تو توڑیے